नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल सुपर अपडेट्स में। तो दोस्तों, अक्षय कुमार की केसरी आखिरकार रिलीज हो चुकी है और इस फिल्म में उनके साथ परिणीति चोपड़ा भी नजर आए हैं और इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है। इतिहास गवाह है कि आत्मसम्मान और गौरव के लिए लड़ी गई लड़ाइयों में भले जीत दुश्मन की हो, मगर ये वीरता की ऐसी गहरी छाप छोड़ जाती है कि सदियों बाद भी इन्हें याद किया जाता है। अक्षय कुमार की केसरी भी सन 1897 में सारागढ़ी में लड़े गए एक ऐसे युद्ध की दास्तान है जहां मात्र 21 सिख सैनिकों ने 10,000 अफगानों का जमकर न सिर्फ लोहा लिया था बल्कि उनके छक्के भी छुड़ा दिए थे। एक लंबे अरसे से अक्षय कुमार का रुझान देशभक्ति और मुद्दों वाली फिल्मों की ओर हुआ है। होलीडे, रुस्तम, एयरलिफ्ट, बेबी, टॉयलेट एक प्रेम कथा, पैडमैन और गोल जैसी फिल्मों के बाद अब वह होली के मौके पर केसरी लेकर आए हैं। कहानी: गुलिस्तान फोर्ट पर तैनात हवलदार ईशर सिंह यानी अक्षय कुमार ब्रिटिश राज की सेना में कार्यरत है। अफगानी सरगना यानी राकेश चतुर्वेदी ओम के हाथों वह एक शादीशुदा औरत का सर कलम होने से बचाता है। चूंकि यह काम उसने अपने अंग्रेज बॉस की मर्जी के खिलाफ किया है तो सजा के तौर पर उसका ट्रांसफर गुलिस्तान फोर्ट में सारागढ़ी फोर्ट में कर दिया जाता है। सारागढ़ी आने के बाद ईशर को लगता है कि वहां के 21 सैनिकों में अनुशासन की कमी है। वह पहले सिपाहियों का अनुशासन का पाठ पढ़ाता है और फिर उनका सच्चा लीडर बनकर उनमें बहादुरी का जज्बा भरता है। ईशर सिंह अपने ख्यालों में अपनी पत्नी यानी परिणीति चोपड़ा को याद करता है और उससे अपने मसलों पर बात भी करता है। ईशर सिंह की तरह दूसरे सिपाही भी अपने घर परिवार को याद करते हैं। इसी बीच उन्हें पता चलता है कि अफगानी सरगना अफगानी पठानों का एक बड़ा फौज तैयार करके सारागढ़ी पर हमला करने वाला है। अंग्रेजी हुकूमत मदद न भेज पाने की सूरत में ईशर सिंह को उसके जवानों समेत किला छोड़कर भाग जाने की सलाह देती है, मगर ईशर सिंह को याद आ जाती है उस अंग्रेज मेजर की बात जिसने कहा था कि तुम हिंदुस्तानी कायर हो इसलिए हमारे गुलाम हो। उस वक्त ईशर सिंह अपनी नौकरी, पैसे या अंग्रेज हुकूमत के लिए लड़ने के बजाय अपने गौरव के लिए शहीद होने का फैसला करते हैं। उसके इस फैसले में वो 21 जवान सिपाही अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अगर बात करें इस फिल्म के रिव्यू की तो फिल्म का फर्स्ट हाफ बहुत धीमा है। इंटरवल तक का समय डायरेक्टर अनुराग सिंह ने किरदारों को स्थापित करने में लगा दिया है। एक वॉर फिल्म होने के बावजूद असली कहानी इसके बीच में शुरू होती है जब 10,000 अफगानी ने सारागढ़ी के 21 सिपाहियों पर हमला करते हैं। युद्ध के दृश्यों की स्टंट और कोरियोग्राफी गजब की है और यह आपके रोंगटे खड़े कर देते हैं। अक्षय को खिलाड़ी कुमार के नाम से भी जाना जाता है और निर्देशक ने इसमें हैरत अंगेज एक्शन परोसकर उनकी इमेज को खूब बुनाया है। सन 1897 के दौर को अंशुल चौबे ने अपनी समर्थ फोटोग्राफी से ऑथेंटिक बना दिया है, मगर इसमें सबूता चक्रवर्ती और अमित्री के प्रोडक्शन डिजाइन को भी श्रेय देना होगा। फिल्म का लुक परफेक्ट है मगर स्क्रीन प्ले कमजोर है। लुक और अभिनय के नजरिए से ईशर सिंह के रूप में इसे अक्षय कुमार की अब तक की सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कहना तो गलत ना होगा। अक्षय ने अपने डायलॉग बहुत ही बेहतरीन तरीके से दिया है। क्रेडिट में भले परिणीति चोपड़ा को स्पेशल गेस्ट के रूप में दर्शाया हो मगर उनका रोल इतना छोटा है कि ना असर छोड़ पाता ना ही रोमांटिक एंगल होने के नाते कोई राहत। अफगान सरगना के रूप में राकेश चतुर्वेदी ओम ने अच्छा काम किया है। सिख सिपाहियों के रूप में सभी कलाकारों ने ईमानदार परफॉर्मेंस दी है। तनिष्क बागची के संगीत में रोमी और ब्रिजेश चांडालिय का गाया हुआ सानू कहंदी गाना पसंद किया जा रहा है। क्यों देखे ये फिल्म? इतिहास की शौर्य गाथाओं की शौकीन और अक्षय कुमार के जोशीले परफॉर्मेंस के लिए इस फिल्म को एक बार देखना बनता है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ऐसी रिव्यूज, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, न्यूज अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।